इस बॉर्डर एरिया संसम ना यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का भी 97% ऑफ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले आप सब लोगों को मेरे चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो जैसे कि आप सब लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि लद्दाख में क्या हो रहा है, तो आज मैं थोड़ा ब्रीफली आप लोगों को थोड़ा ये प्रोटेस्ट के बारे में, ये हंगामा के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे कि लाइक 2019 में हमारे लद्दाख को एक यूटी का वो स्टेटस मिला, मगर जो यूटी में बट हमारा एक मांग था कि ये यूटी विथ लेजिस्लेचर, बट हमें वो यूटी विथ लेजिस्लेचर नहीं मिला। तो इसीलिए हम काफ़ी सालों से ये मांग, ये प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं। सुनम वांगचु उसने ये लीड करके अभी 19 डेज हो रहा है, तो 21 दिन बैठने वाले हैं। तो मैं यही ज़्यादा ना कहते हुए यही बोलना चाहूँगा कि इसीलिए हम यूटी विथ लेजिस्लेचर ऑल्सो 6 शेड्यूल भी मांग कर रहे हैं, क्योंकि लद्दाख में आप देखा जाए तो लाइक 97% ऑफ द पॉपुलेशन कम्स अंडर लाइक ट्रैवल कम्युनिटी, लाइक दैट्स वाई लाइक वी आर डिमांडिंग दिस 6 शेड्यूल, यू नो। बट हमें ऐसे प्रॉमिस नहीं किया, इसीलिए हम ये प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं। तो ज़्यादा ना कहते हुए मैं यही कहना चाहूँगा। और अभी मैं हम थोड़ा आज ये संडे को बहुत सारे लोग आए हैं, अब मेरे पीछे देख सकते हैं। तो कुछ लोग से हम क्वेश्चन पूछने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे यूथ भी मौजूद हैं, तो उनके साथ हम थोड़ा क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करते हैं। सो गाइस, अभी हमारे साथ अब्दुल अली तुर्तुक के एक्स काउंसलर रहा है। तो आप ये हंगर स्ट्राइक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अब्दुल अली, एक्स काउंसलर तुर्तुक नुब्रा बोगदांग से, आज सुबह सवेरे हमारा रोज़ा के आज हमारा 13वीं तारीख है। सुबह सवेरे से हम हमारे इलाके से बॉर्डर एरिया संसमना, मतलब लद्दाख से संसमना उर्दू में बॉर्डर एरिया से आया हूँ महज इस अनशन में शामिल होने के लिए। इस अनशन में शामिल होना इतना ज़रूरी है हमारे लिए कि हमारे कुछ 4 एजेंडा पॉइंट्स है जो लद्दाख के इशू को लेके, लद्दाख के बेरोज़गारी को लेके, लद्दाख के यूथ को लेके, आने वाले जनरेशन को लेके, इस इशू में हमको शामिल होना बहुत ही ज़रूरी था, इसलिए हम आज यहाँ पर पहुँचा है। इस ये का सुना अंचुक जी 19 दिन से यहाँ पर अनशन पे बैठे हुए, ये तारीख लद्दाख की तारीख में एक इतिहास है और हमारे देश हिंदुस्तान की तारीख में भी एक इतिहास है। ये सब के लिए हम ज़रूरी है, सब को एक एक करके हम इस अनशन में जोड़ना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू फॉर आस्किंग मी टू स्पीक। आई एम फ्रॉम हैदराबाद। माई नेम इज़ डॉक्टर एंड प्रोफेसर प्रसाद राव दासरी। I am a heart surgeon. We thought that we will go and express solidarity, also understand, express solidarity and also understand what he is doing and how the people are reacting. We were impressed by the discipline of the people, the way these people are coming, praying, talking and then going out. And as an expression of solidarity, also staying overnight in sub-zero temperatures, I was really impressed. I had opportunity to meet and express my views with Sonam Wangchukji. We were very impressed. He received us very warmly, gave some suggestions to us. We thank him for giving this opportunity. Thank you very much. Yeah. Namaste. Yeah, you will be fast. You will be on fast from today. Yes, I am on fast solidarity for one day, from today morning to tomorrow morning. My greetings to the people of Ladakh. Greetings from Hyderabad,
and I wish them all the success in whatever they are thinking of. Thank you. Okay, so अभी हमारे साथ STP. आप ये मूवमेंट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और साथ में हम सिक्स शेड्यूल को लेकर मांग कर रहे हैं, तो आप इसके बारे में क्या क्या कहना चाहेंगे? सिक्स शेड्यूल हम क्यों मांग रहे हैं, क्यों ज़रूरी है लगा के लिए? ओके, सो जुले एवरीवन, मेरा फुल नेम कर्मा सिंह पलमो है. आई एम अ ग्रेजुएट स्टूडेंट. मैं शिरभुजन विलेज से बिलोंग करती हूँ. तो हम सिक्स शेड्यूल ही क्यों मांग रहे हैं? इसका वजह ये है कि लद्दाख एक ट्रैवल एरिया है और यहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है कि सिक्स शेड्यूल में कौन से क्राइटेरिया होता है, कौन से लोग हमारे सिक्स शेड्यूल में इंक्लूड हो सकते हैं, इन विच लद्दाख फिट्स परफेक्टली. बट स्टिल यहाँ पर लद्दाख इज़ अ वेरी डाइवर्स एरिया, यहाँ पर इतने डिफरेंट कल्चर्स है, तो उनको प्रिजर्व करने के लिए सिक्स शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये हम कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं मांग रहे, हम पीसफुली एक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहे हैं यहाँ पर. आई डोंट थिंक सो गवर्नमेंट शुड हेजिटेट टू प्रोवाइड सच प्रोटेक्शन टू द ट्राइबल विच वी डिजर्व. जॉब्स पे भी यहाँ पर हम डिमांड कर रहे हैं, जॉब्स पे हमने डिमांड किया, गवर्नमेंट ने भी बहुत सारा प्रोमिसज किया. तो यहाँ पर प्रोमिस करने के बाद उन लोगों ने सिर्फ यहाँ पर या हो सके तो कोई कॉन्स्टेबल का पोस्ट ऐसा ही निकाला, कोई गेजिटेट पोस्ट नहीं निकाला. तो इस चीज़ के लिए भी हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं. और एक रिक्वेस्ट है यूथ के लिए, यहाँ पर बहुत सारे यूथ हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, यहाँ पर मोस्टली मिडिल एज और ओल्ड पीपल ही दिखाई दे रहे हैं. तो यंग लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि दिस इज़ फॉर अस, दिस इज़ फॉर आवर फ्यूचर. यही बोलना चाहती हूँ कि अभी नहीं तो कभी नहीं, तो प्लीज़ पार्टिसिपेट एज मच एज यू कैन. हेलो, जुले सलाम. तो मैं सकर्मा हूँ, लद्दाख से हूँ. आई हैव डन माई ग्रेजुएशन इन BA. तो लद्दाख में अभी आजकल की सिचुएशन आप सभी को पता होगा कि इवन पूरी दुनिया में भी अभी आजकल की लद्दाख की सिचुएशन पूरी दुनिया में भी पता चल गया सबको. तो अभी देखो सोना मंगचुक हंगर स्ट्राइक पे बैठा है. आज से 19 डेज हो रहा है पूरा कंप्लीट हंगर स्ट्राइक पे. तो अभी तक हम भी ज्वाइन किया है हंगर स्ट्राइक में, हमने भी ज्वाइन किया है. बट अभी तक मैंने ये नोटिस किया है, अभी तक UT एडमिनिस्ट्रेशन कभी एक दिन या फिर थोड़ा 5 मिनट के लिए तो आते कि क्या हुआ, कि कैसा हालत में है. अभी तक UT एडमिनिस्ट्रेशन का एक भी नहीं है. सीरियसली दिल से बहुत दुख हो रहा है. गवर्नमेंट को भी टाइम है, अभी हमारे लद्दाख में आके देख सकते हैं, UT एडमिनिस्ट्रेशन को अभी भी देख सकते हैं कि क्या हो रहा है सिचुएशन. और मैं लद्दाख की लड़कियों को भी ये बोलना चाहती हूँ, अभी तो 21 से हमारा ये हंगर स्ट्राइक खत्म होने वाला है, फिर उसके बाद का सोना मंगचुक फिर से ये कह रहे थे कि 27 ऑन मार्च फिर से हमने ये स्ट्राइक कंटिन्यू करना है, फिर 27 ऑन मार्च से. सो प्लीज़ कासुना मंगचुक ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि जितना हो सके विमेंस लोग पार्टिसिपेट करिए. ये हमारे नहीं, मेरे लिए नहीं है, कासुना मंगचुक के लिए नहीं है, लाइक ये ओल्ड एज पीपल के लिए भी नहीं है. प्लीज़ यूथ, प्लीज़ अभी जग जाओ, अभी टाइम है प्लीज़. तो लड़कियाँ जितना हो सके आप लोग 27 से जितना हो सके पार्टिसिपेट करिए प्लीज़. थैंक यू.